हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सर? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आगे मुझे अपने एक न्यू वीडियो के साथ आशा करती हूँ आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आएगा। और अभी जो है किचन में मैंने जो है दाल चढ़ाया हुआ है, उससे किसी की आवाज़ आ रही है तो वीडियो को देखिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल पे मेरे नए हो तो जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखा कीजिए आप लोग पूरा देख के उनको दिन से। थैंक यू। और अभी मॉर्निंग मैंने जो है लगा लिया है, बस अभी भी कुछ काम जो है मेरे नहीं हुए हैं तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं करती हूँ वीडियो के साथ, इसलिए फिर वीडियो से बने रहना है इंटर। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे जो हूँ आई हूँ ब्रेड तो मैंने लगा लिया था तो बस ऊपर थोड़े से जो है गंदे जो थोड़े बहुत हुए तो उनको ही बस इस तरह से झाड़ दे रही हूँ। और आप लोग वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे। थोड़ा सा देखेंगे तो वीडियो पता नहीं चलिएगा वीडियो पे क्या है क्या थी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं नहीं कि मैं जबरदस्ती बोल रही हूँ, नहीं, जिनको वीडियो अच्छी लगे वही जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस देखो बैड मैंने जो है झाड़ दिया है तो मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो बस थोड़ा जो है डेली कुछ ना कुछ जो है जो भी करती हूँ, और डेली का तो हमारा हाउस वाइफ का जो है काम जो होता है डेली एक ही रहता है, सुबह उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना, झाड़ू करना, पोछा करना, यही सब हमारा जो है चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ बाल्टी में पानी और अब मुझे जो है पूरे अपने फ्लोर की क्लीनिंग करनी है, पोछा लगाना है। तो झाड़ू पहले लगा दिया था मैंने तो बस अब पोछे का टर्न है। और देख रहे बेड के नीचे जो मेरा सामान था ना वो हट चुका है और बस थोड़े बहुत सामान जो हुआ वही रखे हुए हैं तो इनको तो वो अंदर में एकदम साइड में तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो सामान है उनको तो फेंक नहीं सकते हैं ना तो उनको बेड के नीचे डाला हुआ है। और घर भी जो है सामान जितना घर में जो है ना ज़्यादा भर के रहते हैं तो घर थोड़ी अजीब सी लगी रहती है तो अभी घर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी भी सामान ज़्यादा सामान से ना गर्मियाँ भी काफ़ी ज़्यादा लगती है तो बस ज़रूरत के जो भी सामान है वो भी जो इस तरीके से जो है इस वजह से मैंने जो है यहाँ से जो मैंने पर्दा लगाया था वो हटा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।
तो फ्रेंड्स पूरे घर में तो मेरा जो है पोछा कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी अच्छे से जो है मैंने लगा लिया और इसी तरीके से लगाती हूँ और डबल डबल जो है एक बार करने के बाद दोबारा भी करती हूँ, तो इससे थोड़ा घर साफ लगता है। और आज मैंने कुछ नहीं डाला था पानी में, सादे पानी से, तो कभी कभी जो है सर्फ वगैरह डाल देती हूँ, तो जो मेरी रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, तो कभी कभी मैं सर्फ भी डाल करके साफ़ कर देती हूँ। तो चलो अब थोड़ा सा जो है सफाई हो गई है तो बरामदे में भी कर देती हूँ। और यहाँ पे जो है बहुत बड़ा जो है बरामदा है, तो डेली मैं जो हूँ आधे दूर तक तो मैं लगा देती हूँ और कभी आधे दूर तक ना मैं फिर धो देती हूँ। तो क्या है ना, अच्छा नहीं लगता है ना कि अपने रूम को करते हैं और बाहर में छोड़ देते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो बस फटाफट से ये काम भी कर लूँगी और चप्पल जैसे तैसे रखे हुए हैं, तो क्या होता है चप्पल ना बच्चे जो है ना चप्पलों को ना मैं सरिया करके रखती हूँ और वो लोग जो है इधर उधर कर देते हैं चप्पल। तो चलिए फ्रेंड्स मेरी जो फ्लोर क्लीनिंग थी काफ़ी अच्छे से हो गई है और इसके बाद फिर बस काम कुछ और एक दो और काम है उसको करूँगी, उसके बाद फिर नहा लूँगी। तो नहाने के पहले ही सब ये सब काम कर लो ना तो अच्छा रहता है, तो मैं भी वही करती हूँ, नहाने से पहले ही जो पोछा वगैरह जो भी लगा लेती हूँ, नहाने के बाद बिल्कुल भी जो है मन नहीं होता है, तो बस इतनी दूर ही लगाऊंगी और इसके बाद फिर बाकी एरिया को ना मैं धो दूंगी। तो बस और कपड़े मैंने जो है धोने के लिए रखे हुए थे तो मैंने कपड़े धो लिए हैं, बरामदे को भी मैंने धो दिया जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखाई। तो बस कपड़े धोए हुए हैं, बस इनको जो है खंगारना था, तो बस सोचे कर लूँ और हो गया मेरा, फाइनली मेरा जो काम था वो ख़त्म हो चुका है और इसके बाद फिर मुझे जो है नहाना है। और ये कुछ जूते चप्पल थे जो कि यूज़ छोटे हो गए हैं मेरे बच्चों के हैं, तो मैं ना सोची इनको फेंक दूँ क्योंकि कोई है तो नहीं कि मैं किसी को दूंगी। तो बस और ये बिल्कुल अच्छे थे लेकिन क्या बोलूँ, लॉकडाउन था ना तो काफ़ी दिन स्कूल बंद रह गया और बच्चों ने पहना भी नहीं, तो बस और छोटा हो गया है। तो चलो ये लड़की का था ना, वरना मेरे बेटे का यूज़ में आ जाता है, बट लड़कों का तो अलग जूता होता है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो बस थोड़ा सा पानी मुँह में डाल के फ्रेश सा फील होने लगता है, तो बस सारे कपड़ों को डालूँगी छत पे और तो रेस्टोरेंट में चलते हैं।